हेलो एवरीवन वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉन अकेडमी में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मैं इस चैनल में कक्षा छः से कक्षा दस तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे क्लास टेंथ के अंतर्गत साइंस का जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन और उसकी यौगिक आज की इस वीडियो में हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट एलेवन ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण एक्टिविटी फोर पॉइंट फाइव टेक अबाउट थ्री इथेनॉल इन ट्यूब एंड वॉम इट जेंटली इन आपको लेना है थीके? उसके बाद उसको वाटर बाथ में क्या करना है गर्म करना है डायरेक्टिटी करनी है वाटर बाथ में दिखाओ कॉपर का एक वाटर बाथ है ठीक तो है तो उसके ऊपर इसको रख के क्या करना है गर्म करना है एट अ फाइव परसेंट सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सोल्यूशन उसके बाद क्या करना आपको इसमें पोटेशियम पर मैगनेट का पोटेशियम परमाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है के एम ओ फोर ठीक है पोटेशियम परमाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है तो के एम एन ओ फोर तो पोटेशियम पर मैगनेट के सोल्यूशन को आपको इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है गिराना है डलर ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट परसिस्ट वेन इट इज एडेड इनिशियली आप देखोगे कि जब पोटेशियम परमानेट का कलर अब इसमें एड करोगे ठीक है पोटेशियम परमाइनेट कैसा कलर का होता है रंगीन क्रिस्टल होता है इसको वॉलेट कलर का होता है तो इसका जो कलर है वो इनिशियली क्या हो? होगा परसिस्ट होगा ठीक है वाइट कलर ऑफ पोटेशियम परमाइनेट नॉट डिसन एक्सेस इज एडिड क्यों पोटेशियम परमैइनेट का जो कलर है वो डिसअपेयर नहीं हो रहा अगर हम इसमें एक्सेस मात्रा में क्या पोटेशियम परमाइनेट को मिक्स कर रहे यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में ठीक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है ठीक है वहां पर आ, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या किया जाएगा इंक्रीज किया जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबसन कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जो क्या होंगे जलने लग जाएंगे ठीक है कंबसन के थ्रू क्या होंगे ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देंगे इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इन टू कार्बोक्ट्रिक एसिड तो यहां पर क्या होगा जो हमारे पास एल्कोहल होगा उस एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के थ्रू ठीक है कंप्लीट ऑक्सीकरण किया जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाएगा आपको याद होगा अगर हम ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबस के अंतर्गत जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हम ऑक्सीजन को कंप्लीट देंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास जो एल्कोहल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एक किसकी में रिएक्शन होगी पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन ओ फोर यानी यहां पर जो एरो है एरो के ऊपर क्या होगा एल्कलाइन कैमनोफोर एम एन ओ फोर ठीक है तो एरो के ऊपर आप ये लिख सकते हैं कैमेफोर तो इथेनॉल इथेनॉल कैमनोफोर के अपने एक है. के आपने एक ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट है है के अपने तो इथेनॉल को किस में बदला जाएगा एसिटिक एसिड में ठीक है तो इथेनॉल कन्वर्टेड इन एसिटिक एसिड ठीक है तो सी एस थ्री सीओ एस एल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप वी सी दैट सम सबसे आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स ठीक है कुछ सफटाइज एसिड होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो किसी दूसरे कंपाउंड में या दूसरे जो यौगिक होंगे सब होंगे उनमें ऑक्सीजन को ऐड करा सकें तो उनमें से एक पोटेशियम पर था ठीक है के एम तो ये क्या करता है ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वह ऑक्सीजन क्या करता है किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराता है दीज सफेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इन पदार्थों को क्या बोलता हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं तो पोटेशियम पर हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया तो सारे के यहाँ अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं एल्कालाइन पोटेशियम पर मैगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम पर डायक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड्स दैट इज एडिंग ऑक्सीडन टू द स्टार्टिंग मटीरियल ठीक है तो हमारे पास क्या था इथेनॉल था जैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको सी एस थ्री OH. सी एस टू ओ एच तो ये एल्कोहल था इस एल्कोहल में हम पोटेशियम पर मैगनेट कैमरोफो डालेंगे एल्कालाइन मीडियम में ठीक है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा तो ये किस में बदल देगा एस्टिक एसिड को किसमें बदल इथेनॉल को किसमें बदल देगा एसिडिक एसिड में तो इस ढंग से क्या होगा कंप्लीट रिएक्शन है इथेनॉल इन ऑफ पोटेशियम पर तो क्या बनाएगा कंपाउंड आपका एसिटिक एसिड या इथेनोक एसिड हैंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हम इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से इनको जाना जाता है एडिशन रिएक्शन दूसरे टाइप की रिएक्शन है एडिशन इससे पहले हम देखो एक कंबसन रिएक्शन देख चुके हैं कंबनशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको याद होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सी टू बन रहा है या मिथिन प्लस ओ टू इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है ठीक है या अन्य कोई रिएक्शन देखी थी कंबस में जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी जिसमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परजश में हमने उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया था ठीक है जैसे हमारे पास क्या था इथेनॉल इथेनॉल को हम पोटेशियम परमेगनेट की प्रजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है एस्टिक एसिड अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास थर्ड टाइप की वो क्या है एडिशन रिएक्शन एडिशन के नाम से ही पता चल रहा है जुड़ना ठीक है एडिशन का अर्थ क्या होगा वहां पर जो भी एलिमेंट होंगे एक दूसरे से क्या होंगे एड होते जाएंगे तो एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकिल टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पर क्या होगा ये वाली जो रिएक्शन होगी वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में ठीक है एन आई यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाएगा या पी डी ठीक है पैलेडियम क्या होगा कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर यूज किया जाएगा तो निकिल और पैलेडियम की प्रजेंस में जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनका सेचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है कन्वर्टन किया जाता है अभी हम रिएक्शन देखेंगे आगे कैटलिस्ट आर सफ्टेंसेज दैट कॉज रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इट्स बींग अफेक्टेड कैटलिस्ट क्या होता है वो एक्सटर्नल सबसे है जो किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रेट क्या कर देता है बढ़ा देता है ठीक है और अपना क्या होगा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता यानी लास्ट में कैटेलिस्ट क्या किया जाता उस रिएक्शन से अलग किया जाएगा दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकल कैटेलिस्ट ठीक है इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उनका उपयोग हम हाइड्रोजनेशन ठीक हाइड्रोजनीकरण में करते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल है वेजिटेबल ऑयल को हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन परजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो प्रोडक्ट क्या बनता है वेजिटेबल घी तो ये वाली रिएक्शन जनरल वाला पार्ट याद होगा आपको वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेंज वाइल्ड एनिमल फैट्स हैव सेचुरेटेड कार्बन चेंस वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं अपने नाम में लॉन्ग लॉन्ग चेन क्या होते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन से ठीक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके बीच क्या होगा डबल ऑन प्रेजेंट होगा ठीक है कार्बन एटम और कार्बन के बीच क्या double होगा डबल ऑन प्रेजेंट होगा जबकि जो हमारे पास क्या होते हैं एनिमल फैट होते हैं जानवरों के जो वसा होते हैं ठीक है जंतु वसा जो होते हैं वो क्या होता है, है अपने में सेचुरेटेड फैट्स होते हैं यू मस्ट हैव बीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी आपने यह भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि जो एनिमल ऑयल होते हैं सॉरी क्या होता है वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं हाँ थोड़ा सा हेल्दी होते हैं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं एनिमल फैट्स जनरली कंटेंट सेचूरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेट टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ जो एनिमल से मिलने वाले फैट हैं तो वो क्या होते हैं बॉडी के लिए क्या होते हैं थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये क्या होता है सेचुरेटेड है तो ईजिली से ये डिकम्पोज नहीं हो पाते ठीक है फैटी एसिड्स तो इसमें प्रेजेंट होता है तो ह्यूमन बींग्स के लिए अन्य जो ह्यूमन बींग्स होंगे उनके लिए क्या होता है ये थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं तो वेजिटेबल ऑयल थोड़ा अच्छा रहेगा जबकि जो एनिमल फैट है वो क्या होगा थोड़ा सा नुकसान करेगा ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग ठीक है हमें क्या लेना चाहिए जो अनसेचुरेटेड ऑयल होगा उस ऑयल का यूज करना चाहिए किसके लिए कुकिंग के लिए यानी हम खाना ना बनाते हैं तो खाना ना बनाने हमें वेजिटेबल ऑयल का यूज करना चाहिए ना कि वेजिटेबल घी जैसे डालडा हल्डा ये वाले जो ब्रांड आते हैं तो इन प्रड का उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि सैचुरेटेड होते हैं तो ह्यूमन बींग्स को क्या, सकते को क्या सकते कर सकते हैं हमारी हेल्थ को क्या कर सकते हैं नुकसान कर सकते हैं जबकि जो ऑयल होगा वो अनसेचुरेटेड है तो ईजिली से क्या हो जाएंगे डिकम्पोज हो जाएंगे ठीक है उनको हम आसानी से पचा सकते हैं कहने का है। तो वेजिटेबल ऑयल ठीक है वी वेजिटेबल ऑयल को रिप्रेजेंट करेगा तो वी प्लस एच प्लस हाइड्रोजन इन प्रदेश ऑफ निकिल कैटलिस्ट ठीक है एनआई की प्रदेश में क्या बनेगा वेजिटेबल घी बन जाएगा ठीक है क्या बनेगा वी जी लिखा मैंने तो वी जी का अर्थ है वेजिटेबल घी तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होगा हाइड्रोजन से अविक्रिया करेगा तो डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में और वेजिटेबल घी बना देगा ठीक है निकल कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा तो ये क्या हमारे पास अनसेचुरेटेड टू सेचुरेटेड कन्वर्जन यानी जो अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल थे उनको हमने किस में बदल दिया सेचुरेटेड वेजिटेबल घी में इसको बदल दिया तो ये जो अभिक्रियाएं होती है जो रिएक्शन है इन्हें क्या बोलता हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से इनको जाना जाता है अगला कैटेगरी हमारे पास सब्सट्यूशन रिएक्शन टेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएतृप्त हाइड्रोकार में क्या है अनरिएटिव है उनकी रिएक्टिविटी क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रियजेंट ठीक है इनट रियजेंट होगा तो उनका नेचर क्या होता, होता है बहुत ज्यादा इनर्ट होता है इन प्रजेंस ऑफ रिएजेंट हावर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरिन इज एडेड टू हाइड्रोजन इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन अब देखो हम वैसे कह रहे हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अपने आप में क्या स्टेबल हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या है जैसे मीथेन हो गया सी एच फोर इथेन हो गया सी टू एच सिक्स प्रोपिन हो गया सी थ्री एच एट ब्यूटोन हो गया सी फोर एच टेन तो ये सारे क्या होंगे अपने आप में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो नॉर्मली इनकी रिएक्शन नहीं होती है तो अपने आप में क्या होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं लेकिन जैसे सनलाइट दे दी हमने उसको ठीक है या क्लोरिन उसमें पास करा दिया तो जो ये कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं अपने आप में थोड़ा तो सा रिएक्टिव बन जाते हैं ठीक है तो ये रिएक्शन एग्जिबिट करते हैं क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन इट इज कॉल्डी अगर हम इसको क्लोरिन जैसे हमने सी एस फोर था रिएक्शन लिखिए नीचे ऊपर क्या लिखो मैं सी एस फोर था सी एस फोर प्लस सी एल टू किया तो क्या बना दिया सी एस थ्री सी एल बना दिया प्लस एस सी एल इन दस ऑफ सनलाइट तो इसको हमने सनलाइट थी तो मिथेन ने क्या बना दिया क्लोरोमिथिन मिथिन ने क्या बना दिया सी एस थ्री सी एल अब फिर दूसरे स्टेप पर रिएक्शन देखेंगे तो सी एस थ्री सी एल प्लस सीएल टू से करने तो फिर क्या बना देगा सी एस टू सी एल टू दूसरा क्लोरिन एटम भी क्या होगा यहाँ से अलग हो जाएगा फिर सी एस सी एल थ्री फिर सी एच सी एल फोर तो सी सी एल फोर तो इस ढंग तो से क्या होगा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें बनते जाएंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजली फॉर्मड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स एल्केन के जो डिफरेंट होमोलोका जो सीरीज है उसमें अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म किए जा सकते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा था मीथेन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरो मिथेन फॉर्म किया जाता है थैंक यू वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए